सीआईएम आईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने 21 नवंबर को हैदराबाद के ललिताबाग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस निरीक्षक को धमकी दी थी। मेरे पास या मेरी घड़ी फिर चलिए, चलिए, चलिए। जिस पर एआईएम आईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 10 बजने में 5 मिनट कम होने की सफाई देते हुए कहा था कि अगर समय रात 10:01 होता तो आपको हमें रोकने का पूरा अधिकार था। जब 5 मिनट बाकी है तो वह यानी पुलिस निरीक्षक मंच पर क्यों आए? इस पर अब गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। डीसीपी पर ही आरोप लगा रहे, कुछ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि 5 मिनट पहले उनको रोक दिया गया था, इसलिए उन्होंने इंस्पेक्टर से ऐसा कहा। पूरे तमाम सिनेरियो पर आपने एक बार प्रतिक्रिया चाहेंगे। मैं एक बात कहता हूँ कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। यहाँ की जो बीआरएस गवर्नमेंट है इसी तरह से जातिवाद धर्मवाद को बढ़ावा देती है। भारतीय जनता पार्टी का मेन हेतु है सबका साथ सबका विकास, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हमारी सरकार आएगी और सबका साथ सबके विकास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में मैं सेकेंड टाइम अभी तेलंगाना में आ रहा हूँ इलेक्शन के कारण ही, तो पूरी जगह देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी के हर एक कैंडिडेट को मिल रहा है। निश्चित रूप से हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी भी जीत रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे साथ में हमारे कैंडिडेट यहाँ के हैं। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि इस बार तेलंगाना में हम जीत रहे हैं। सीएम प्रमोद सावंत ने आगे धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने के मुद्दे को लेकर भी बात की। अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जो यहाँ के सरकार ने दिया है उसको हटाना चाहिए, और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी पावर में आ गई तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया नहीं जाता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है, बल्कि हमने जो EWS रिजर्वेशन दिया है यानी आर्थिक नीति पे जो रिजर्वेशन पहली बार इस देश में किसी ने सोचा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% रिजर्वेशन एडिशनल रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए दिया है, ना किसी धर्म के आधार पर ना किसी वो जाति के आधार पे भी।